हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। 11 जुलाई 2021 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में ही हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचे साइंस कैसल यानी कि रेत के किले ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाला ये है डेनमार्क, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा सैंड कैसल यानी कि रेत का किला बनाया है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 21.6 मीटर। ऐसे ही इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो जर्मनी के नाम था, कितना था? 17.66 मीटर। इतनी ऊंची सैंड बिल्डिंग बनाई गई थी जिसको डेनमार्क ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, साथ में ही हम लोग याद रख लेते हैं कि इन सब की कैपिटल और करेंसी क्या है। जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और करेंसी यूरो है। फिनलैंड की करेंसी सॉरी कैपिटल हेलसिंकी है, फिनलैंड की करेंसी हेलसिंकी और करेंसी यूरो है। डेनमार्क कोपेनहेगन और करेंसी है क्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। पेरिस जो है सीन नदी किनारे है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, याद रखना है पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये रिसफल हुए हैं अभी सारे मंत्री, हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में काफ़ी बदलाव हुआ है अभी बीते कुछ दिनों पहले, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के नाम था, रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे और ये जो शिक्षा मंत्री नाम आया है MHRD को रिप्लेस करके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रिप्लेस करके शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है। वीरभद्र सिंह कौन थे? वीरभद्र सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये पूर्व CM रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के फॉर्मर CM जो कि 6 बार CM बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, वीरभद्र सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये ओबिचुरी के मामले में इंपॉर्टेंट है। अनुराग ठाकुर को अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है, इसके पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू थे, इनको रिप्लेस करके अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। कौन? स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? विच न्यू मिनिस्ट्री हैज बीन फाउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि सहकारी मंत्रालय को इंट्रोड्यूस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है? अभी पहले मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, वाटर मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे मिनिस्टर, अभी महेंद्र सिंह हो चुके हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? 3 टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़ेगा यानी कि उनको एक कॉरिडोर से कनेक्ट कराएगा, वो है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार में 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने का काम प्रगति पे है। वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। रणथंभौर, रामगढ़ विधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ। रणथंभौर और रामगढ़ विधारी और कौन है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व जो हैं राजस्थान में जोड़े जाएंगे एक कॉरिडोर के द्वारा। ऐसे ही टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क याद करना जरूरी है, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं पन्ना पे सतपुड़ा माधव वन विहार कूनो, असम में है मानस काजीरंगा नामेरी औरांग डिब्रू साइखोवा, कर्नाटक में अंसी बंदीपुर बनरगट्टा कुद्रेमुख नागरहोल, राजस्थान में भी एक बर्ड सेंचुरी है जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थे, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री थे थावरचंद गहलोत, इनको
कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थे बाजूभाई वाला, उनको रिप्लेस करके थावरचंद गहलोत को जगह दिया गया है। किरण रिजिजू पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, ठीक है। और अभी करंटली वो इस समय कानून और न्याय मंत्री हैं, यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, कानून एवं न्याय मंत्री कौन है किरण रिजिजू। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है। सर्वनंदा सोनोवाल जो कि असम के सीएम रह चुके हैं, इनको भी किसी मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है? बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। कौन सी? बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। और इसके साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के मंत्री इनको नियुक्त किया गया है। आयुष, आयुष के अलावा कौन है? पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर बनाए गए हैं सर्वानंद सोनोवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये अभी टोक्यो ओलंपिक में होने वाले उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह इन दोनों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर क्लोजिंग सेरेमनी में पूछे तो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया है, ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? बजरंग पुनिया है। ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है और पूरी पूरी उम्मीद है कि एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है और मनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है? हॉकी से, बजरंग पुनिया रेसलिंग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रतिवर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखना जरूरी है बाकी भी नाम जो डेट लिखे हुए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 12 जुलाई, 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला डे। मलाला डे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि बच्चों की और स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए फेवर में काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, इसीलिए इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। किससे? नोबेल पीस प्राइज 2014। इसके साथ में इंडिया के भी एक पर्सन थे जिनको इनके साथ ही नोबेल पीस प्राइज शेयर कराया गया था, वो कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन है, इंडियन है, और इनको मलाला यूसुफ जई के साथ में अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 2014, ठीक है, याद रखेंगे। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? 10 जुलाई को भी जो डे मनाया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखने वाली है, वो है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 10 जुलाई को, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक थीम है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 की थीम है, काफ़ी लंबी है, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स, वेदर बेबी बून और बस द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइव इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन है वो याद करेंगे, एग्जाम में अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, दैट्स इट, यही हमें याद करना है, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट, खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? ये बनाए गए हैं नितिन गडकरी, जो कि पहले एमएसएमई मिनिस्टर थे। एमएसएमई मिनिस्टर कौन थे? नितिन गडकरी। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर भी नितिन गडकरी थे। अब ये मिनिस्ट्री जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, अब नारायण राणे के नाम हो गया है, मीन्स नारायण राणे एमएसएमई के मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, MSME, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एम मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर थे।
पुष्कर सिंह धामी का भी नाम इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली चर्चा में रहे हैं ये, क्योंकि ये अभी उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं, उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि किसको रिप्लेस किए हैं, तीरथ सिंह रावत को रिप्लेस किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसे बताया गया है, ये क्वार्टर थ्री की बात है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की क्वार्टर थ्री है, ये हर क्वार्टर में अपना इंडेक्स लेके आता है जिनमें मोस्टली जापान ही टॉप करता है, तो इस बार भी जापान ही टॉप किया है। तो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो जापान का है इस क्वार्टर थ्री के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया का रैंक जो है ये 90th है, 90 नंबर पे है, और सिंगापुर की जो रैंक है सेकेंड नंबर पे है। सबसे लास्ट पोजिशन जो है अफगानिस्तान का है, कितना नंबर है, 193rd, यानी कि 193 देशों की पासपोर्ट को एक रैंकिंग की गई जिनमें से अफगानिस्तान की रैंकिंग सबसे लास्ट में रही 193rd पे। याद रखना सब इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इंडिया का रैंक 90th याद करना है, फर्स्ट याद करना जरूरी है, लास्ट भी याद करना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है, FY3E एक उपग्रह लॉन्च किया है जो कि मौसम विज्ञान और पूर्वानुमान से रिलेटेड है, वो चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNSA, जिसका पूरा नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का ऐसा ही है इसरो, जिसके हेड के सिवान है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और USA का स्पेस एजेंसी है नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसके अलावा रशिया का है रॉस कॉस्मॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी एक दो और हैं, जैसे कि जापान का है जक्सा। ठीक है, आज हम लोगों ने जितना डिस्कस किया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग रिवाइज करते रहिए पुराने क्वेश्चंस। ठीक है, बी विद रिमोट एकेडमी टू लर्न बेटर। थैंक्स, जय हिंद।